Okay. So next point is our river training walks. What we need to do? First point, three points are there: guide banks, marginal bonds, and sparse and groaning. So here we'll first read our guide banks. Guide banks is when barrage or whatever dam is constructed in storage header. So when the barrage is constructed across a river which flows through the alluvial soil, the guide banks must be constructed on both approaches to protect the structure from erosion. मतलब ये फिगर में देखेंगे गाइड बैंक क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये यहाँ पे जो बैराज है या वायर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और टोटल एम्बैंकमेंट फ्रॉम इन द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उस टोटल फ्लो को एंड फ्लो पैटर्न को वो स्टेबल रखने के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं इन बोथ द लोअर अप्रोचेस मींस लोअर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इरोजन. सो इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं और बट इसमें कैसे देखा जाता है इसको, ये तो मेरा टोटल अप्रोच है, ये मेरा टोटल रिवर अप्रोच है, इधर से रिवर फ्लो हो रही है, ये मेरा गाइड बैंक है दोनों साइड. ओके, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है और इधर से फ्लो, ये जो इधर वाटर स्टोर होके धीरे धीरे रिजर्वर मतलब पॉन्ड टाइप बन के रखा है जो धीरे धीरे रिवर आके स्टोर हो रहे हैं, मतलब वाटर आके स्टोर हो रही है. इधर से मतलब बैराज ओपनिंग के हिसाब से या वायर के हाइट के हिसाब से पर्टिकुलर फ्लो विल कम टू माय डाउनस्ट्रीम. सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट आवर गाइड बैंक टू प्रोटेक्ट आवर बैंक साइड मेन बैंक साइड एंड टू प्रोटेक्ट आवर वायर और बैराज व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड. व्हाट आर द मेजर फंक्शंस, इसका फंक्शंस क्या है? To protect the barrages from the effect of scouring and erosion. Erosion and scouring के लिए, scouring हम लोग जानते हैं, erosion मतलब in the main river channel और bank erosion के लिए protect करती है. Provide a straight approach towards downstream. Downstream के through एकदम straight approach provide करती है कि इधर उधर ना जाके एकदम straight flow हो. Next point, to control the tendency of changing the course of the river. River को ये guide bank provide कर देते हैं. Guide bank उसके साथ जो भी बाद में देखेंगे marginal bond, एक कोसी का section में देखेंगे कि पूरा एक section बना के guide मतलब ये concrete या boulder structure बना के जो रखते हैं उसमें क्या होता है कि उस part flow को हम लोग बोल रहे हैं कि एक particular direction में flow होने के लिए ना कि इधर उधर जाने के लिए. तो उसमें क्या हो रहा है, एक particular regime में ही फ्लो होने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग उसको कोर्स चेंज करने नहीं देंगे, उसी तरह उधर से ही फ्लो होना है. कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो नियर द स्ट्रक्चर, ये क्या करती है, वेलोसिटी वेलोसिटी को भी कंट्रोल करती है स्ट्रक्चर के हिसाब से वायर और बैराज के प्लेस में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज माई वेलोसिटी को कंट्रोल करें. नेक्स्ट पॉइंट, ओवरटॉपिंग ऑफ नेचुरल एम्बैंकमेंट. नेचुरल एम्बैंकमेंट को भी ओवरटॉपिंग होने नहीं देते हैं. इन ए फ्लैश इवेंट एंड प्रोटेक्ट द एडजेसेंट लैंड फ्रॉम फ्लडिंग. मतलब ये ओवरटॉप बैंक जो है, बैंक को भी ओवरटॉप होने नहीं दे रहे और उसके जो एडजेसेंट लैंड है एग्रीकल्चरल या और विलेजेस या टाउन उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है मेन फ्लड के फ्लड से, प्लस फ्लड इवेंट से. नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रॉडाउन इफेक्ट ऑफ फ्लड वाटर लेवल. ये पॉइंट थोड़ा सा देखने के लायक है. क्यों, ये क्या बोल रही है कि प्रिवेंट द स्लाइडिंग ऑफ सॉइल एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रॉडाउन इफेक्ट. मतलब अगर सडन बहुत फ्लड आ गया, मतलब फ्लैश फ्लड इवेंट आ गया तो क्या होगा, ये इधर क्या होती है, इधर पूरा ये वाटर, इधर वाटर लॉक्ड हो जाती है ये पूरा एरिया, चाहे ये विलेज एरिया हो चाहे इधर कल्चरल कॉमन एरिया मतलब एग्रीकल्चरल लैंड. तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा वाटर लॉक्ड हो गया, इसमें पूरा सॉइल में पानी घुस गया. तो क्या होगा, ड्रॉडाउन उस टाइम में क्या होता है, हम लोग जब देखे कि जब पूरा फ्लडेड रहता है तब लैंडस्लाइड या जो बैंक वो मतलब नहीं गिरती है, वो जब फ्लड कम हो जाती है आफ्टर 7 to 10 डेज के बाद, वो जब वाटर
मतलब ड्राई होने लगता है और वाटर सोक होकर नीचे चले जाती है, और ऊपर में टॉप पोर्शन में वाटर रहता है, लेकिन नीचे पोर्शन में क्या होता है, लोअर पोर्शन में इन द रिवर मेन डेप्थ चैनल डेप्थ, उसमें पानी कम हो जाती है, तो वो क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, मतलब ये पोर्शन इस पोर्शन नीचे आके इधर गिर जाती है। ये ऑफ साइड है, ये बैंक साइड है, ये इधर मतलब गाइडेड बैंक है, ये गाइडेड बैंक है दोनों साइड, तो क्या होगा इधर से लैंडस्लाइड होके इधर आ जाती है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ऊंचा करके रखते हैं ऊपर जेड डायरेक्शन में, बोथ साइड में, ये लॉन्चिंग सॉरी ये गाइडेड बैंक दोनों साइड बहुत ऊपर करके रखते हैं। तो ये क्या करती है, एक एक जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन करके रखे कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको लैंडस्लाइड होने नहीं देंगे, तो ये दूसरी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट द पाइपिंग ऑफ वाटर थ्रू बैंक, मतलब बैंक के थ्रू पाइपिंग इफेक्ट होना कम करती है। पाइपिंग इफेक्ट क्या है वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ब्लिंक्स थ्योरी में पढ़ेंगे। ओके, लेट यू विल अंडरस्टैंड, दिस इज माई स्ट्रेट चैनल केसेस, दिस इज माई इंक्लाइंड चैनल केसेस। हम लोग क्या जानते हैं, ये स्ट्रेट गाइडेड बैंक कभी कभार 90 डिग्री एंगल पे रहती है, और कभी कभार लास्ट लेक्चर में देखें अप टू 110 डिग्री तक फेरी कर सकता है, स्ट्रेट गाइडेड चैनल, और कभी कभार डाइवर्टेड गाइडिंग चैनल भी हो सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द डिजाइन प्रोसीड्योर ऑफ ए गाइड बैंक। ये हम लोगों का बीटेक सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेंगे ये क्या है, कि ये टोटल लेंथ एल है, एल मतलब इसका सेंटर लाइन से उस गाइड बैंक का, मतलब इस गाइड बैंक का सेंटर लाइन से इस गाइड बैंक का सेंटर लाइन तक इसको क्या बोल रहे हैं, एल बोल रहे हैं। एल एल कैसे मेजर करते हैं, पॉइंट फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला क्या है, 4.83 इंटू क्यूब टू द पावर हाफ, मतलब टोटल डिस्टेंस टू द पावर हाफ, ये है टोटल मेरा एल। क्या हो गया यार, ओके ये मेरा टोटल लेंथ हो गया, और ये गाइड बैंक का जो मैक्सिमम ये डिस्टेंस कितना कैसे 0.75 एल होता है, यहां से ये सेंटर इस लाइन से इस लाइन तक 0.75 एल होगा, मतलब 75% लेंगे, अगर 10 मीटर है एल तो ये 7.5 मीटर होगा। सॉरी, ये एंगल हाउ मच, दिस एंगल हाउ मच, दिस एंगल विल बी 45 टू 60 डिग्री, एंड दिस विल बी रेडियस, डिस्टेंस कितना होगा 0.3 to 0.5 r, टोटल जो ये सर्कल का रेडियस है उसका 30% या 50% रेडियस लेंगे। ओके, इधर क्या लेंगे, इधर 120 डिग्री to 145 डिग्री एंगल लेंगे टोटल जो एंगल है, और ये रियर एप्रोन मतलब जहां से जा रही है, और ये फ्रंट फ्रंट एप्रोन है जहां से ये डील कर रही है मेन मेन। ओके, दिस इज माय स्मॉल डिजाइन प्रोसीड्योर ऑफ माय गाइडेड बैग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज माय मार्जिनल बॉन्ड्स। मार्जिनल बॉन्ड्स क्या है कि इधर फिगर में देखेंगे कि मेरा जो गाइड बैंक था, ये गाइड बैंक था मेरा, ये मेरा रिवर अप्रोच था, इधर टोटल डाइवर्सन हेडवर्क जो भी है या स्टोरेज हेडवर्क, उसके बाद जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसको बोल रहे हैं मार्जिनल बॉन्ड्स, चाहे वो स्ट्रेट अप्रोच हो चाहे डाइवर्टेड अप्रोच हो। डाइवर्टेड अप्रोच मीन्स स्ट्रेट अप्रोच था उससे थोड़ा इंक्लाइन करके देखें, अभी जैसे फिगर में देखें तो उससे भी वहां डाइवर्टेड होगा, तो उससे भी बाहर जो एम्बैंकमेंट डाल के रख रहे, मतलब मेरा विलेज नियर अबाउट विलेज ही एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट वी आर कॉलिंग इट एज आवर मार्जिनल बॉन्ड। ओके, दिस मार्जिनल बॉन्ड इज क्या डेफिनेशन, व्हाट इट इज डिफाइंड एज, द मार्जिनल बॉन्ड इज अ अर्थन एम्बैंकमेंट, मतलब इट इज नॉट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, इट इज हाई लेवल अर्थन एम्बैंकमेंट, मतलब बहुत ऊंचा करके मिट्टी का बना हुआ एम्बैंकमेंट है, which is constructed parallel to the river bank, river bank के parallel ही construct किया जाता है, on both side, दोनों side में, according to the condition, condition के हिसाब से, कहीं cover कुछ किस कुछ portion में, जैसे हम लोग देखे अभी जैसे example देखे कि एक साइड लो हाइट कम करते हैं, एक साइड ज्यादा करते हैं, उसका रीजन भी रहता है, फ्लड जो
वाटर है वो सडन फ्लड वाटर है, फ्लड प्लेन के चलते एक फ्लड प्लेन में रिमूव करने के लिए उसको ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं। द टॉप विड्थ ऑफ दिस मार्जिनल एम्बैंकमेंट, जो मिट्टी का ये जो एम्बैंकमेंट बनाते हैं तो उसका टॉप विड्थ क्या रहता है, विड्थ बहुत वाइड रहता है, 3 to 4 meter, बहुत चौड़ा रहता है। उसमें क्या होता है कि उसको थोड़ा सा भी इरोड होगा सडन फ्लैश फ्लड इवेंट में, लेकिन तब भी वो मेन मेरा एग्रीकल्चरल लैंड या मेरा जो विलेज है, नियरेस्ट विलेज है, उसमें भी पानी नहीं जाएगा। द साइड स्लोप ऑफ दिस मार्जिनल वन शुड बी इन द रिवर साइड, टूवर्ड्स रिवर साइड। रिवर साइड में जो साइड स्लोप होगा वो 1.5:1 होगा, लेकिन टूवर्ड्स कंट्री साइड मीन्स टूवर्ड विलेज साइड मीन्स आउटर साइड, विलेज साइड या एग्रीकल्चरल फील्ड साइड, आउटर साइड में क्या होगा वो 2:1 होगा। मतलब बहुत स्ट्रिप डाल के रखते हैं कि उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ हो, उसमें ज्यादा ये अगर थ्रस्ट आए, बहुत सडन इवेंट में बहुत थ्रस्ट आए, तब भी वो रेजिस्ट कर पाए। ओके, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मार्जिनल वन? इट प्रिवेंट्स द फ्लड वाटर ऑफ और स्टोरेज वाटर फ्रॉम एंटरिंग दिस सराउंडिंग एरिया, जस्ट वी हैव रीड, मतलब नियरेस्ट एरिया को वाटर लॉग्ड होने में और सबमर्ज होने से रोकती है। इट प्रिवेंट द फ्लड वाटर और स्टोरेज वाटर विद ए स्पेसिफिक सेक्शन, मतलब फ्लड वाटर को रोक के स्पेसिफिक स्पेसिफाइड सेक्शन बना के वहां स्टोर भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोटेक्ट द टाउन और विलेजेस फ्रॉम डिवास्टेशन ड्यूरिंग हेवी फ्लड के टाइम में, वो प्रोटेक्ट भी करती है कि वॉश आउट हो ना जाए पूरा विलेज या एग्रीकल्चरल लैंड जो भी है। इट प्रोटेक्ट वैल्यूएबल कल्चरल एग्रीकल्चरल लैंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस इज माय सेक्शन ऑफ माय व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर, वी विल सी लेटर। कि दिस इज माय मॉडल, दिस इज माय कोसी रिवर मॉडल, मतलब कोसी रिवर को रिवर का बैराज सेक्शन, ये बैराज सेक्शन जो है इसका, ये बैराज सेक्शन है कोसी रिवर का, तो उसका एक मॉडल बनाया गया है, मतलब हाइड्रोमेट्रिक मॉडल बनाया गया है। तो ये लैब सेक्शन है कोसी रिवर का। तो उसमें क्या है कि ये कभी कभार कोसी रिवर इधर से फ्लो हो रही है, कभी कभार फ्लो इधर से होके ऐसे करके आती है, कभी कभार इधर एक साइडन ड्रॉप है कोसी रिवर में, मतलब बैराज साइड में, तो उसमें क्या है कि कहीं से भी फ्लो होके इधर आती है। ये गाइडेड बैंक है मेरा, ये मेरा गाइडेड बैंक है इस लेफ्ट साइड में, और ये टोटल आउटर साइड में स्पार्स प्रोवाइड करके रखे हैं, और ये मेरा बाउंड्री साइड जो दिख रहा है वो मेरा मार्जिनल बांड है, जो कि हम लोग मेन सेक्शन में देखेंगे। ये मेरा कोसी रिवर सेक्शन है, ये बैराज साइट है, ये मेरा गाइडेड बैंक है, जो इधर से ये लाइन दिख रहा है मेरे को ब्लैक कलर का, ये स्ट्रेट होके इधर आ रही है, ये मेरा गाइडेड बैंक है, इधर से जो बेंट होके ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में दिख रहा है, सो ये मेरा गाइडेड बैंक है। उसके बाद जो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन दिया हुआ है, ये जो मेरा ये व्हाइट कलर का स्पेचेस दिख रहा है, ये क्या है, ये जो आउटर सेक्शन में, ये मेरा मार्जिनल बांड से। ओके, दिस इज माय गूगल मैप व्यू, गूगल अर्थ में, मतलब गूगल मैप में भी दिखता है ये मेरे, हम लोग गूगल अर्थ, मतलब गूगल अर्थ मोबाइल में या लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोसी रिवर फाइंड आउट करने तो और लैंड इमेज व्यू करने तो, मतलब सैटेलाइट व्यू करने तो ऐसे मेरे को दिखेगा, उसको जूम करने तो ये फिगर आएगा। ओके, सो दिस इज माय गाइडेड बैंक एंड दिस इज माय मार्जिनल बांड्स और इन आउटर साइड व्हिच इज लाइक दिस, दिस इज माय मार्जिनल बांड, जो कि हम लोगों का ये फिगर में भी ऐसा था, ये गाइडेड बैंक था और ये मेरा मार्जिनल बांड्स था। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज और स्पार्स और ड्यूक्स, कभी कभी ड्यूक्स या डाइक्स बोलते हैं इसको कहीं कभी प्लेस में, और कहीं कभार इसको थोकर भी बोलते हैं। व्हाट इज दैट? स्पार्स आर इज आर टेम्पररी स्ट्रक्चर, इट इज परमिएबल इन नेचर, ऑब्वियसली परमिएबल, एंड इट प्रोवाइड इन द कर्व ऑफ फेल्ड रिवर टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम द इरोजन। मतलब बैंक जहां पे कर्वेचर कर्व लिनियर रिवर रिजिम है, जहां पे रिवर कर्व होके फ्लो करती है, जैसे ऑक्स ब्लो लेक में, जैसे हम लोग देखेंगे अभी फिगर में,
जहाँ पे ये है डिफरेंट टाइप्स है, जहाँ पे ये कार्व लिनियर फ्लो करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये ऑक्स ब्लो लेक में इसमें क्या होगा, इधर इस पोर्शन में जहाँ पे इरोशन ज्यादा हो रहा है उसको, उस बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वो स्पार्स प्रोवाइड किया जाता है, स्पार्स या ड्यूक या थोकर प्रोवाइड किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि एम्बैंकमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें वो ये ऑब्वियसली पारमिएबल होता है, एक साइड से दूसरा साइड उसका फ्लो जा सकती है, मतलब इसका सेक्शन बाद में देखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है, दिस इज टेम्पररी स्ट्रक्चर, परमेबल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली इन नेचर व्हिच प्रोवाइड इन द कार्व ऑफ ए रिवर, जहाँ पे रिवर लोअर रीचेस में कार्व ज्यादा होता है और इरोशन, बैंक इरोशन होने के ज्यादा चांसेस है, वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ड्यूक्स और स्पार्स स्ट्रक्चर। दिस आर प्रोजेक्टेड विथ द एंगल ऑफ 60 to 75 degree विथ द बैंक ऑफ द रिवर। 60 से 75 degree एंगल में ये प्रोवाइड किया जाता है एंगल बेड से, और कभी कभार किया क्या किया जाता है, 90 degree एंगल में भी प्रोवाइड किया जाता है जरूरत के हिसाब से। ये नॉर्मली क्या है, अटैक तीन टाइप से डिवाइड करते हैं, अटैकिंग स्पार्स और रिपेलिंग पार्स, दिस काइंड ऑफ थिंग आर देयर, सो वी विल डिस्कस मच मोर इन आवर लास्ट मॉड्यूल व्हेन वी हैव रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एज ए मॉड्यूल इन द लास्ट मॉड्यूल। नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथ, मतलब ये क्या बोल रहा है कि 60 to 75 degree एंगल, मतलब ये जो रिवर है, रिवर फ्लो हो रही है इधर से टोटली, तो इस एंगल, मतलब ये सरफेस एंगल है, ये रिवर बैंक है, तो इसमें 60 to 75 degree एंगल में हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, कभी कभार 90 degree एंगल में भी प्रोवाइड किया जाता है, तो हम लोग उस केस में, केस को देखेंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर द लेंथ ऑफ द स्पार्स डिपेंड ऑन द विड्थ एंड विड्थ ऑफ द रिवर एंड शार्पनेस ऑफ कर्व। ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ द पार्क, कितना लेंथ प्रोवाइड करेंगे, ये लेंथ टोटल लेंथ कितना प्रोवाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है रिवर कितना विड्थ है, मेरा रिवर बैंक टू बैंक कितना डिस्टेंस है, और रिवर का बेंड जो है, ये जो बेंड है कितना एंगल पे है, कितना एंगल पे ये रिवर बेंड हो रहा है और कितना शार्पनेस फ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। ये डिजाइन प्रोसीड्योर भी है, वो हम लोग लास्ट मॉड्यूल में देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ द पार्ट्स टू ब्रेक द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड टू फॉर्म ए वाटर पॉकेट इन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द सेडिमेंट गेट डिपोजिटेड। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो वाटर वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी आ रहा है, तो इधर होके यहाँ पे जैसे सेक्शन में देखेंगे, सेक्शन में क्या है कि ये सेक्शन था, ये मेरा इधर से फ्लो होके, ऐसे फ्लो होके इधर से आएगा, जैसे इसमें देखेंगे लास्ट पोर्शन में, इधर फ्लो होके इधर आएगा, इधर आके हिट कर रहा है इधर से आके वाटर, और फिर इधर आके इधर हिट कर रही, तो इसमें क्या होगा, इस बैंक में इरोशन ज्यादा होगा इस पोर्शन में, इसीलिए उस पोर्शन, मतलब जिस बैंक में इरोशन ज्यादा होता है और वाटर फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होता है, उस वेलोसिटी को कम करने के लिए, उस बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उधर स्टील वाटर पॉकेट क्रिएट करने के लिए, एकदम मतलब वो उधर वाटर वेलोसिटी कम करके एक पॉन्डेज इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ये मेरा स्पार्स या ड्यूक प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तीन टाइप, ये दस द रिक्लेमेशन ऑफ लैंड फ्रॉम ऑन द रिवर बैंक टू अचीव इट। मतलब रिक्लेमेशन मीन्स पुनरुद्धार, मतलब वो जो इसको इसीलिए बोल रहा है कि ये क्या होता है, हमेशा रिवर बैंक को इरोड करते 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 क्या करती है उसको, मतलब एकदम उसको रिवर पोर्शन में बैंक को मतलब कंज्यूम करके वो रिवर मेन मेन चैनल बना देती है, तो उधर से ही फ्लो होने लगता है बाद में। ओके, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे इरोड करके, जैसे इधर इधर था ये नेक था, नेक को इरोड करते करते उधर से ही फ्लो होने लग गया, तो उसमें क्या होगा, ये प्रोवाइड करके क्या करते हैं हम लोग, इस रिवर बैंक को इरोशन होने से रोकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो लैंड है उसको रख सकते हैं प्रोटेक्ट करके। तीन तरीके का होता है, बैम्बू पार्स जो पहले प्रोवाइड किया जाता था, टिम्बर पार्स उसके बाद जो प्रोवाइड किया जाता था, उसके बाद बोल्डर पार्स, मतलब एक बैम्बू से बना हुआ रहता है, दूसरा टिम्बर से भी बना हुआ रहता है, तो
और तीसरा बोल्डर से भी बना हुआ रहता है। तो ये बेम्बू पार्स है। बेम्बू पार्स कैसे बनते हैं कि टोटल आउटसाइड आउटर पेरिफेरी में बेम्बू ब्रेसिंग रहता है, ये सब बेम्बू पाइल्स रहता है, मांस का छोटा जो मतलब एक एक पर्टिकुलर शेप में टुकड़ा रहता है जो एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, और बीच में सैंड बैग रहता है, मिट्टी का सैंड का मतलब बालू का बोरा रहता है, इसमें भर के रख देते हैं, इसमें ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिगर में देखेंगे आई थिंक ये है, हाँ ये है मेरा बैम्बू पर्स। इसमें जो बैम्बू है वो मिट्टी के नीचे पानी के नीचे चला गया, तो उसमें साइड में जैसे डाल के रखे हैं तो वो थोड़ा नीचे अंदर डाल के रखते हैं, तो ये मेरा बैम्बू पर्स हो गया जिसमें मेरा ऊपर जो सैंड बैग है वो दिख रहा है, या बहुत नीचे तक भी है वो पानी के चलते नहीं दिख रहा है। तो दिस इज माई बैम्बू पर्स। ये सेक्शन कैसे देखेंगे, ये कभी कभी 60 एंगल में रहता है, लेकिन क्या होता है कि ये 60 डिग्री एंगल या 60 डिग्री या 75 डिग्री वो फ्लो के हिसाब से डालते हैं, ना कि रिवर बेड के, मतलब जिस एंगल से फ्लो हो रहा है तो उस एंगल में जाके कट ज्यादा प्रोवाइड करता है, बैंक में ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से ये प्रोवाइड करते हैं कितना एंगल में रखना है। जैसे फिगर में देखेंगे लास्ट फिगर जो था किस एंगल में आ रहा है, अगर इस एंगल में फ्लो आ रहा है तो चाहे उससे भी ज्यादा एंगल में 60 डिग्री एंगल में आउटर एंगल में प्रोवाइड कर सकते हैं कि फ्लो इधर आ रहा है, इधर टेंड हो, ज्यादा टेंड हो रहा है, तो इसके हिसाब से भी इधर से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था मेरा, टिम्बर पर्स। टिम्बर पर्स सेम, मतलब इसमें बैम्बू के जगह आउटर पोर्शन में टिम्बर बिठा देंगे बैम्बू के प्लेस में, और इधर चाहे बोल्डर डाल देंगे मैक्सिमम केस में। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली, तो इसमें क्या होता है बोल्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, बीच में बोल्डर प्रोवाइड कर दी, और ये सेम स्ट्रक्चर होगा इसी के जैसा सेम स्ट्रक्चर होगा। तो ये था मेरा बैम्बू पर्स और बोल्डर पर्स। और नेक्स्ट पॉइंट इज माय बोल्डर पर्स। बोल्डर पर्स में क्या है कि पूरा बोल्डर भर देते हैं स्टैंचियन में, और वायर नेट मतलब आयरन नेट से ये घेर के रखते हैं, दैट इज माय हियर लाइक दिस। इसमें क्या है कि बोल्डर पूरा भर दिए और पूरा आयरन स्ट्रेन से घेर के रखते हैं, दैट इज माय बोल्डर पर्स। ओके, रिवर बेड में ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ये परमिएबल होता है, ये भी परमिएबल है, इधर से भी पानी जा सकती है, इधर से भी पानी जा सकती है, और इधर से भी पानी फ्लो हो सकती है, इसके अंदर से भी ये परमिएबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज माय ग्रोनीज। ग्रोनीज आर सिम टू पर्स, पर्स के जैसा ही है, लेकिन क्या है ये परमिएबल नहीं है, इम्परमिएबल है, मतलब इसके थ्रू वाटर फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, सेम एंगल में रहेगा, 60-75 डिग्री एंगल में रहेगा, सब कुछ सेम है, इट विल बी एंगल। इसमें क्या है कि टुवर्ड्स अपस्ट्रीम साइड, इसमें क्या होगा, इसमें क्या था हम लोगों का टुवर्ड्स अपस्ट्रीम साइड, मतलब ये रिवर इधर से फ्लो हो रही है, रिवर इधर से फ्लो हो रही है, तो उसी तरफ उसी रिवर के अपस्ट्रीम साइड में एंगल करके रखेंगे हम लोगों का स्पार्स या ड्यूक्स। लेकिन ग्रोनीज में क्या करेंगे, ग्रोनीज में जाएंगे, ग्रोनीज क्या कर सकते हैं, अपस्ट्रीम साइड में भी फ्लो कर सकते हैं, ये डाउनस्ट्रीम साइड में फ्लो कर सकते हैं। ये जो फिगर था एक्चुअली, ये मेरा ग्रोनीज का फिगर था, ये जो है ग्रोनीज का फिगर था, ये भी इम्परमेबल है, कंक्रीट के साथ बोल्डर डाल के बनाया गया है, ये भी टोटली कंक्रीट का ही है, तो इसमें क्या है ये पूरा इम्परमेबल रहता है, और इसमें ये जो फिगर था एक्चुअली ग्रोनीज प्रोवाइड का फिगर था। तो ग्रोनीज क्या देखेंगे, कभी कभार डाउनस्ट्रीम साइड के भी एंगल करते हैं, कभी अपस्ट्रीम साइड में भी एंगल करते हैं, कभी पैरालिक प्रोवाइड करते हैं, कभी टुवर्ड्स एकदम इंक्लाइंड अपस्ट्रीम साइड में इंक्लाइंड प्रोवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट लास्ट मॉड्यूल में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स इट मेड परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक। अभी हम लोग देखे कभी कभी परपेंडिकुलर रिवर बैंक के परपेंडिकुलर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रोनीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज दोज आर कंस्ट्रक्टेड विथ रूबेल मैसनरी, मीन्स रूबेल स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब वो स्टोन ग्रेवल्स के हिसाब से बनाते हैं, उसके साथ बनाते हैं, मैक्सिमम इन ट्रापेजॉइडल फॉर्मेशन, ट्रापेजॉइडल के हिसाब से बनाते हैं,
जैसे ये स्ट्रक्चर सब है, ये सब स्ट्रक्चर है, ट्रेपेज़ॉइडल हिसाब से बनाते हैं, और विथ फिनिशिंग विथ फिनिश्ड विथ स्टोन पेचेस और कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक से और स्टोन पेचेस से बनाते हैं। ऐसे हम लोग अभी देखें जो है ये स्टोन पेचेस से बनाते हैं और कंक्रीट स्ट्रक्चर से बनाते हैं, टोटली इम्परमीएबल होता है, ट्रेपेज़ॉइडल होता है। इन दिस इज आवर इंडियन इंडियन रिवर, दिस इज इन हिमाचल प्रदेश एचपी। तो ये था मेरा ग्रोनी स्ट्रक्चर, जो कि मतलब 90 डिग्री एंगल से भी बना सकते हैं, चाहे अपस्ट्रीम अटैकिंग पोर्शन में भी बना सकते हैं, चाहे डाउनस्ट्रीम पोर्शन पे भी इंक्लाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम एंगल में कब बनाते हैं कि जब मेरा ये अपस्ट्रीम एंगल में जब पहले 90 डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये जो एंगुलर फ्लो आ रहा है तो उसमें क्या होगा, वो आके मेरा इधर हिट करेगा और फिर बाद में क्या होगा, उधर से प्लेन होके इधर इस एंगल में इस बैंक पोर्शन में इरोड करना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए उसको इधर डाइवर्ट करने के लिए, फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए मेरा वो अपस्ट्रीम की तरह वो फ्लो कर देते हैं। लेकिन डाउनस्ट्रीम के साइड का फ्लो करते हैं कि जब बैंक इरोड हो रहा है और उसमें छोट मतलब स्मॉल स्मॉल ग्रोनीज प्रोवाइड किए, तो क्या होगा, वो छोड़ एक मतलब रिवर विद जब कम है, ये जब रिवर विद बहुत ज्यादा होगा तब वैसे प्रोवाइड करेंगे, रिवर विद जब कम होगा, रिवर विद जब बहुत कम होगा, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये ग्रोनीज एक डाउनस्ट्रीम की तरफ ग्रोनीज का फेस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक फ्लो होके इधर आएगा तो उसके बाद बीच वाला पोर्शन में इरोड हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मेरा बाहर जो है मतलब डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ ग्रोनीज का फेस डेवलप किया जाता है। वो टोटल डिजाइन प्रोसीड्योर, ये लेंथ एल कितना होता है, 2L कितना होता है, कितना विड्थ होना, तो कितना प्रोवाइड करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कितना प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए ग्रोनीज का डिजाइन प्रोसीड्योर, और ईच एंड एवरी लेंथ एंड अप्रोच चैनल, अप्रोच गाइड बैंक्स लेंथ, व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड हियर, मीन्स दिस पोर्शन गाइड बैंक डिजाइन, मीन्स दिस वन व्हाट विल बी माई इल, कितना 0.4483 क्यूब टू द पावर 1/2, एंड दिस लेंथ ऑफ द गाइड बैंक फ्रॉम द अप्रोच चैनल, मतलब कितना डिस्टेंस में ये एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं, 0.75L, और डाउनस्ट्रीम गाइड बैंक में कितना डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, 0.25L, 2.4L, और ये एंगल कितना प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से, उसका रेडियस के हिसाब से उसका कितना होना चाहिए, 0.3 to 0.5R कितना होना चाहिए, और ये जो रेयर एंगल है, रेयर अप्रोच एप्रोन है, उसमें कितना एंगल प्रोवाइड करते हैं और उसके कितना रेडियस उसका ले सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेमन मतलब लास्ट मॉड्यूल में देखेंगे। ओके, और अपस्ट्रीम गाइड बैंक का लेंथ कितना लेते हैं, मतलब 1 to 1.5L लेते हैं, कहाँ L क्या है, L मेरा एक गाइड बैंक का सेंटर लाइन से दूसरा गाइड बैंक का सेंटर लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल ये गाइड बैंक का सेंटर लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज माई L। ओके, फॉर टूडे विल एंड हियर, एंड नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट अवर सीपेज, मीन्स अपस्ट्रीम मीन्स फ्रॉम सब सरफेस सीपेज एंड सरफेस सीपेज कंडीशन, मीन्स सरफेस के स्ट्रक्चर के नीचे से, वायर एयर बैरेज के नीचे से या वायर एयर बैरेज के ऊपर से जो फ्लो मतलब फ्लो हो रहा है वो काउंट करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके चलते जो सीपेज के चलते अपलिफ्ट प्रेशर आएगा, जो मेरा
मतलब चैनल को प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसको देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्लिंक्स थियोरी है और खोसलाज थियोरी है एंड लेंस थियोरी है। टुडे वी एंड हियर, ओके। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? बोलो यार आदित्य, नहीं तो एंड करूं। हाँ सर अटेंडेंस ले लीजिए। अच्छा, अटेंडेंस भेज दो यार, रंजन नहीं है तो और कोई भेज दो। वो एंजल है, सर आप ही ले लीजिए लैपटॉप से। नहीं ले लो, ये तेरा लड़का है। अच्छा, दोनों में से कोई नहीं है। दोनों में से कोई नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए क्लोज करते हैं।